गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं फ्रॉम महाजनपद एरिया टू सुंग एंड सातवाहन एरिया। महाजनपद काल से सुंग और सातवाहन काल। महाजनपद एरिया, महाजनपद काल। देयर वॉज अ टाइम वेन अ किंग आइदर एस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम और एक्सटेंडेड इट। एक समय था जब जो राजा अपना राज्य जहाँ स्थापित कर देता था उसकी सीमा राज्य उसके अथवा उसके वर्ग के नाम से प्राप्त कर लेती थी। द एरिया अंडर हिज रीजन वॉज कॉल्ड बाई द क्लास ही बिलोंग टू ग्रुप ऑफ सच क्लासेस आर क्लास फॉर्म देमसेल्व्स इनटू जनपद। व्यक्तियों या कुलों के समूहों से प्राप्त ग्राम व ग्रामों के जनपद बने। बिफोर द 6th century BC, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, सेवरल जनपदास कॉन्क्वर्ड अदर जनपदास एंड मर्ज्ड देम इनटू देयर ओन। ईसा पूर्व 6th शताब्दी के पहले से ही कुछ जनपदों ने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दस महाजनपद वाज फॉर्म्ड और महाजनपद का निर्माण किया। जनपद कॉन्क्वर्ड अदर जनपदास एंड मर्ज देम इनटू देयर जनपद एंड फॉर्म महाजनपद। जनपद कॉन्क्वर्ड अदर जनपदास, कुछ जनपदों ने अपने आसपास के दूसरे जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड 16, इस काल में 16 महाजनपद हैड बीन फॉर्म्ड, महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। चेद एंड अवंती इन मध्य प्रदेश भर महाजनपद, मध्य प्रदेश में चेद और अवंती महाजनपद थे। चेदी महाजनपद एक्सटेंड फ्रॉम प्रेजेंट, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आज के मध्य प्रदेश फ्रॉम टू बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तारित बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। शक्तिमती वाज इट्स कैपिटल, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। वी फाइंड रेफरेंसेस ऑफ चेदी किंग इन जातक कथास एंड द महाभारत, जातक कथाओं और महाभारत में चेद नरेशों का उल्लेख होता है। अवंती महाजनपद एक्सटेंड थ्रू द मालवा रीजन, अवंती महाजनपद के अंतर्गत मालवा क्षेत्र आता था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अवंती, यह दो भागों में विभाजित था, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती एंड महिष्मती, नव महेश्वर वॉज द कैपिटल ऑफ साउथर्न अवंती। उज्जैन नॉर्थ अवंती की राजधानी थी, नॉर्थ मतलब उत्तरी, यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण अवस्थी की अवंती की राजधानी महिष्मती थी। विदिशा एंड एरण वेयर इट्स टू बिग सिटीज, विदिशा और एरन इसके दो प्रमुख नगर थे। अकॉर्डिंग टू द पुराणास महासेन, पुराणों के अनुसार महासेन चंद्र प्रद्योत वाज इट्स रूलर, महासेन चंद्र प्रद्योत यहाँ का शासक था। हु वाज वेरी क्रूअल, जो बहुत क्रूर था। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियस आफ्टर चंद्र प्रद्योत डेथ, इतिहासकारों के अनुसार चंद्र प्रद्योत के पश्चात हिज हेयर्स वेयर नॉट एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर अवंती महाजनपद, हेयर माने उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी अवंती महाजनपद को संभालने में असहाय रहे। एज अ रिजल्ट इट मेट विथ इट्स डाउनफॉल, लेटर इट वॉज अनेक्स्ट बाई सिंगसुंग एंड नाग एम्पायर्स एंड वाज
मस इंटू मे मगध एम्पायर। फलस्वरूप इसका पतन हो गया। बाद में ये प्रदेश धीरे धीरे मगध के शिशुनाग और नाग सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति के शिकार हुए। द क्वाइंस ऑफ नंदा डायनेस्टी फाउंड नियर बड़वानी प्रूफ दिस। बड़वानी के पास मिली नंदों की मुद्राओं को इसका प्रमाण माना जाता है। आफ्टर नंद मौर्य बिकम द एम्पायर। नंदों के बाद मौर्य का आधिपत्य रहा। मौर्य डायनेस्टी मौर्य काल मध्य मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4th century BC। मौर्य ईसा पूर्व 4th सदी में मौर्य वंश ने भारत को राजनैतिक एकता प्रदान की। चंद्रगुप्त द टॉर्नेट नंदा डायनेस्टी एंड एस्टेब्ड मौर्य एम्पायर। नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त वाज द रूलर ऑफ अ वेरी लार्ज एम्पायर। चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का शासक था। द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज अंडर हिज डोमेन। उसके साम्राज्य में उत्तर का संपूर्ण भारत आता था। हिज ग्रैंड सन अशोका इज शाइनिंग स्टार ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक भारतीय इतिहास का शाइनिंग स्टार माना जाता है, चमकता सितारा माना जाता है। ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसार रीजन। अपने पिता बिंदुसार के समय अशोका वाज रूल्ड ओवर अवंती मालवा फॉर 11 years। अशोक लगभग 11 वर्षों तक अवंती का शासक रहा। अशोक मैरिड देवी द डॉटर ऑफ द नगर सेठ ऑफ विदिशा। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया। ही हैड 2 children सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा। उसके संगमित्रा और महेंद्र नाम के 2 पुत्र और पुत्री हुए। ही सेंट देम टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म। उसने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा था। द मौर्याज एस्टेब्लिश द किंगडम अवंती विथ उज्जैन एज इट्स कैपिटल। मौर्यों ने यहाँ अवंती नामक प्रांत बनाया जिसकी राजधानी उज्जैन थी। अशोका बिल्ट स्टूपा एट उज्जैन एंड कसरुद्दीन निवाण। अशोक ने उज्जैन और निमाण अंचल के कसरावद में स्तूपों का निर्माण कराया। ही आल्सो बिल्ट वर्ल्ड फेमस स्तूपास एट सांची इन विदिशा एट भरहूत इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। रायसेन जिले में सांची और सतना जिले के भरहूत में विश्व प्रसिद्ध स्तूप बनवाए। अशोका पिलर एंड स्टोन सिस्टम फाउंड इन रूपनाथ इन नियर जबलपुर। जबलपुर के निकट रूपनाथ विदिशा के निकट बेन सागर नियर विदिशा विदिशा के निकट बेन सागर पवाया नियर ग्वालियर पवाया गोल ग्वालियर एरन नियर सागर एरन सागर के पास एंड गुजरा नियर दतिया और गुर्जरा दतिया इत्यादि स्थानों में उसने स्तंभ व शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं। सो दैट द मौर्य डायनेस्टी हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मध्य प्रदेश। कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश पर गहरा प्रभाव रहा। दिस वॉज द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन। यह इस क्षेत्र की शांति व समृद्ध का दौर था। बुद्धिस्ट एरिया बुद्ध काल उज्जैन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरिया। बुद्ध काल के समय उज्जैनी जो वर्तमान उज्जैन अत्यंत महत्वपूर्ण नगरों में एक था। द रोड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ क्रॉस्ड हियर। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाली राजमार्गों पर उज्जैनी महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। सो इट वॉज अ रेस्टिंग प्लेस। इसलिए ये
विश्राम स्थल था। वन रोड अग्नाइटेड फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड केम टू उज्जैन विया साकेत। एक मार्ग पाटलिपुत्र से साकेत, अयोध्या, कौशाम्बी, विदिशा और महिष्मती होता हुआ उज्जैन को आता था। इट स्टेज अप टू पिलग्रिमेज ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी और दक्षिण में गोदावरी स्थित पर प्रतिष्ठान तक जाता था। द रोड स्ट्रेच अप टू भृगुकच्छ नाउ भरोच इन द वेस्ट। पश्चिम की दिशा में वह मार्ग उज्जैन से भृगुकच्छ तक जाता था। बेस्ट इन पुराण्स मालवा वाज रिफर टू एस अवंती। पुराणों में वर्तमान मालवा का अवंती के नाम से उल्लेख आया है। अवंती वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फोर लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एरिया। किंग प्रद्योत रूल ओवर अवंती एट टाइम। बुद्ध के समय अवंती भारत के चार विशाल राज्यों साम्राज्यों में से एक माना जाता है। बुद्ध के समय अवंती पर प्रद्योत नाम का राजा राज्य करता था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग। वह बहुत पराक्रमी राजा था। द अदर थ्री एम्पायर वेयर कौशल वस्त एंड मगध और अन्य तीन साम्राज्य थे कौशल वस्त और मगध। इट इज सेड दैट प्रद्योता वॉज बोर्न ऑन द सेम डे एज द बुद्धा। ऐसा कहा जाता है कि प्रद्योत का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन स्वयं बुद्ध का जन्म हुआ था। वेन बुद्ध अटेंड नॉलेज प्रद्योता वॉज द रूलर ऑफ अवंती। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय अवंती का शासक प्रद्योत था। बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी प्रद्योता वॉज एडॉर्नेड बाय द टाइटल महासेन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य में प्रद्योत को उसके पराक्रम के कारण महासेन की पदवी से विभूषित किया गया है। बत्सा एम्पायर वॉज अ नेबर ऑफ अवंती। बस प्रद्योत का पड़ोसी बस का राजा इट्स रूलर वॉज इक्वल टू प्रद्योत इन ब्रेवरी एंड ग्लोरी। प्रद्योत की बहादुरी और गौरव में किसी तरह से कम नहीं था। वंस प्रद्योता कॉल्ड उड्डयन टू हिज कैपिटल एंड विथ डिसेप्शन मेड हिम अ प्रिजनर। एक बार प्रद्योत ने छलपूर्वक उदयन का अपने राज्य में बुलाकर बंदी बना लिया और वह लेटर उड्डयन एस्केप विद द हेल्प ऑफ प्रद्योत डॉटर। बाद में प्रद्योत की पुत्री वत्स दत्ता की मदद से उदयन वहां से निकल गया। बोथ ऑफ देम एलोप्ड लेटर वत्स दत्ता बिकम उदयन से प्रिंसिपल क्वीन। वत्स दत्ता बाद में उदयन की पटरानी बनी। प्रद्योत डायनेस्टी एंडेड आफ्टर 150 इयर्स एंड अवंती वाज मर्ज इन इनटू मगध एम्पायर। लगभग 150 वर्षों के बाद प्रद्योत वंश का अंत हो गया और अवंती मगध के विशाल साम्राज्य में समाहित हो गया। लेटर नंदा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाटलिपुत्र एंड मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ मगध मध्य प्रदेश रिमाइंडर अंडर दिया रीजन। इसके बाद पाटलिपुत्र में नंद वंश का राज्य स्थापित हुआ और मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग संभवतः उन्हीं के अंतर्गत रहा। फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी महापद्मानंदा वाज बीन रेफर्ड टू अनदर पुराण परशुराम इन पुराण्स बिकम हिज मस्कट क्षत्रिय। पुराणों में नंद के संस्थापक महापद्म नंद को क्षत्रियों का संहार करने के कारण दूसरा परशुराम कहा जाता है। सुंग एंड सात वाहन। आफ्टर अशोका हिज हेयर्स कुड नॉट मेंटेन दियर होल्ड ओवर द एम्पायर। अशोका की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को बनाए न रख सके। सुंगा द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ द लास्ट मौर्य एम्पायर। अंतिम मौर्य सम्राट
ब्रह्मदत्त अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त की मृत्यु के पश्चात किरण हिम 184 BC एंड एस्टेब्लिश सुंग डायनेस्टी, उसका कमांडर यानी सेनापति उसको मार करके उस साम्राज्य का रूलर बन गया, इस्टेब्लिश किया। पुष्यमित्र सन अग्निमित्र लिव्ड इन विदिशा एंड रूल ओवर इज एम्पायर। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन आहुत इन विंध्या रीजन प्रूव दैट हिज एरिया वाज अंडर द डोमेन ऑफ सुंगल एम्पायर। पुष्यमित्र का अग्निमित्र विदिशा में, पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा में रहकर अपने साम्राज्य का शासन करता था। विंध्य क्षेत्र में बरहुत के शिलालेखों में शुंग वंश का उल्लेख है, जिससे प्रमाणित होता है कि वह क्षेत्र उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट रिसोर्स मालवाग्निमित्र रिटेन बाय कालिदास बिलोंग टू द शुंग वाल्मीकि डायनेस्टी। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र के अनुसार शुंग बैम्बिक वंश के थे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट रिसोर्सेज बैम्बिक डिसेंडेंट फ्रॉम द कश्यप गोत्र इन ब्राह्मण्स। बौद्धायन सूत्र के अनुसार बैम्बिक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण के हरिवंश। द फैक्ट इन सपोर्टेड बाय हरिवंश हरिवंश पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। अकॉर्डिंग टू हर्षचरित पुष्यमित्र शुंगवाच आ ब्राह्मण किंग। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा था। ही एक्सटेंडेड द साइज ऑफ द स्तूपा ऑफ सांची एंड बिल्ड एन अल्टर। उसने सांची के स्तूप का आकार बढ़ाया, अल्टर माने वेदिका होता है, तथा वेदिका स्थापित की। एट देवर टाइम द बाउंड्री वॉल एंड मेन एंट्रेंस गेट वर आल्सो बिल्ट इन भरहुत। इसी समय भरहुत के स्तूप की चार दीवारी व तोरण द्वार का निर्माण हुआ। आफ्टर सुंग सातवाहन फ्रॉम द साउथ एंट्रेंट मालवा सातवाहन रोड ओवर त्रिपुरी विदिशा ATC। सुंगों के बाद दक्षिण से आए सातवाहन वंश ने मालवा में प्रवेश किया। डियर पॉइंट्स हैव बीन फाउंड नियर होशंगाबाद एंड जबलपुर एज पर सम रिकॉर्ड्स फाउंड इन नासिक केव इन पालमी अवंती एंड महिष्मती। डियर पॉइंट्स हैव बीन फाउंड नियर उनके सिक्के होशंगाबाद व जबलपुर के पास प्राप्त हुए हैं। पुलवामी के नासिक गुफा में अभिलेख में अवंती और महिष्मती क्षेत्र विंध्य और सतपुड़ा आदि क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। जिससे प्रमाणित होता है कि नर्मदा तक का क्षेत्र सात वाहनों के प्रभाव में था। नाग डायनेस्टी ऑल द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी AD एट द सिटी ऑफ पद्मावती। ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक नगर पद्मावती विच इज नाउ कॉल्ड पवाया नियर ग्वालियर, जो कि आज पवाया के नाम से जाना जाता है, वॉज द कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी किंग। यह नाग डायनेस्टी के मैंने नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। इट इज मेंशन दैट नाइन नाग किंग रूल्ड ओवर पवाया। ऐसा माना जाता है कि नागवंशी राजाओं ने यहाँ पर राज किया था पवाया में। सेवरल पॉइंट्स ऑफ डियर टाइम हैव बीन फाउंड, उनके समय के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। द रीजन ऑफ ग्वालियर एंड वेस्टर्न बुंदेलखंड वाज अंडर दियर डोमेन। ग्वालियर और पश्चिम बुंदेलखंड का अधिकांश भाग इस राज्य के अंतर्गत था। देयर इज अ मेंशन इन पुराण्स आल्सो दैट नाग किंग्स रूल्ड ओवर विदिशा फॉर 9 सेंचुरी। और ऐसा उल्लेख किया जाता है कि विदिशा में भी 9 शताब्दियों तक नाग राजाओं ने राज किए। शक एंड कर्दमक, शक व कर्दमक। ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी AD द शक स्टार्स ऑफ छत्र डायनेस्टी एस्टेब्लिश दियर किंगडम ऑफ मालवा।
छहरता के वंश के सब क्षत्रप द्वितीय शताब्दी ईस्वी में मालवा गुजरात और काठियावाड़ मालवा गुजरात काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया आज पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में शक्ति हथिया बैठे। बट सक्तमणि दर्शन गौतमी आप सत्तावत डिफेटेड देम एंड क्रश्ड दियर पावर। लेकिन सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों की शक्ति का दमन किया। द नेम ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ क्षत्रपास कार्दमक हुज कैपिटल वाज उज्जैन। क्षत्रपों की दूसरी शाखा का नाम कार्दमक था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। सून अ न्यू किंगडम इमर्ज अंडर अ लीडरशिप ऑफ शीघ्र ही कार्दमक वंश के संस्थापक चष्टन के नेतृत्व में नए राजा का उदय हुआ। द फाउंडर ऑफ द कार्दमक डायनेस्टी हिज रिपेटेड एट द एरिया नॉर्थ ऑफ द नर्मदा फ्रॉम द सातवाहन। उसने सातवाहनों से नर्मदा के उत्तर के भूभाग वापस छीन लिए जो कि सातवाहनों के ने नापान से छीन लिए थे। सातवाहन हैड बोन दिस लैंड एरिया फ्रॉम नापाल। क्वाइंस इशूड बाई चष्टन हैव बीन फाउंड इन उज्जैन। चष्टनों के सिक्कों उज्जैन विदिशा एंड शिवपुरी में प्राप्त हुए हैं। चष्टन्स ग्रैंडसन रुद्रमा वाज अ वेरी ब्रेव किंग। चष्टन का पौत्र रुद्रमन बड़ा प्रतापी राजा हुआ। ईस्ट एंड वेस्ट मालवा अकर अवंती वेयर अंडर हिज डोमेन एट द टाइम। उस समय में पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा उसके शासन में रहे। द क्वाइंस इशूड बाई रुद्रमा हेयर्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। रुद्रमन के उत्तराधिकारियों के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुए। तो बच्चों ये लेसन तुम लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट भाग में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।